दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें जब आपको त्रिकोणमैट्रिक रेशियो को किसी अन्य रेशियो में कन्वर्ट करना हो, और इस टाइप के आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए लेकिन आपका सोल्व करने का तरीका सेम रहेगा, वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको देखिए जो थोड़ा बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में देखिए सभी आपके क्या है, पॉजिटिव। यहाँ जो आपका ए दे रखा है उसको जब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में है, जो एंगल है वो फर्स्ट में, और फर्स्ट में आपके क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे वो सारी पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। और उसका आप ऐसे साइड में लिख भी सकते हैं, जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारा यहाँ पर ए किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं पहले तो जो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि आपका जो टेन ए है वो क्या रहता है, वन बाई कोट ए आता है। तो देखिए आपका टेन डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, कोट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक तो आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल। हम जानते हैं कि दोस्तों जो आपका कोट ए है वो क्या रहता है, कोट ए रहता है आपका कोस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो ऐसे साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, कोस ए बाई कोट ए आ गया। अब कोस ए का कोट के फॉर्म में क्या मान होगा, यदि ऐसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करें, इसको ऐसे सिंपल तरीके से सोल्व करें। हम जानते हैं कि आपका वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या रहता है, कोसेक स्क्वायर ए रहता है, ये फॉर्मूला। और कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो साइन स्क्वायर, वन बाई साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो नीचे डिवाइड में होता है, इस साइड लेकर आते हैं जब तो ऊपर आ जाता है, और इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। यहाँ जो ऊपर रहता है वो उस साइड जाके नीचे डिवाइड में आ जाता है, यानी वन बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। और अंडरूट देखिए हमने केवल पॉजिटिव लिया, और तो यहाँ लिख देंगे ए फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये मैं हिंदी में लिखूंगा, चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया, यहाँ लिख दे, इसीलिए पॉजिटिव लिया है, ओके। अब देखिए साइन आ गया, टेन आ गया, अब हमारे पास क्या बचा, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। हमारे पास एक बच गया सेक ए, तो सेक ए का भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए रहता है। अब हम जानते हैं कि टेन को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सेक ए है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए मिल जाएगा, दूसरी ओर अंडरूट आ जाएगा। और दूसरी ओर जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपका कोट स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस वन, क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस वन। नीचे डिवाइड में क्या आ गया आपका, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आगे अरेंज करें तो अंडरूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन, और नीचे अंडरूट कोट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा आपका, कोट ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमने देखिए केवल पॉजिटिव लिया है, उसके लिए ये सेम बात लिख देंगे कि ए फर्स्ट चतुर्थांश स्थित है इसलिए पॉजिटिव लिया है। तो सेक ए बराबर क्या आ गया, इसको इक्वेशन नंबर तीन दे देते हैं। सेक ए बराबर आ गया अंडरूट
कोट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कोट ए, और आपका साइन बराबर क्या आ गया, वन बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। ऐसे है जो हम इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।